ये वाला असाइनमेंट था आपका, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर जब मैं होवर करूँ या क्लिक करूँ तो मुझे ये दिखना चाहिए, राइट, बस इतना सा काम था। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे भी अगर ये कार्ड बनाना, जैसे मैंने दिया था, मैंने ये भी टेस्ट करना चाहा कि भाई आपको ये ऐसा कैसा, अगर मैं बनाने के लिए दे दूँ तो आपसे बन जाता है क्या, है ना, जो कि आपने बनाए नहीं है एक्चुअल में, आपने थोड़ा थोड़ा भाई अपने हिसाब से बनाया उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे प्लेस होल्डर, ये केवल मतलब यहाँ पर कोई फोटो नहीं है, मैंने फोटो नहीं बोला यहाँ पर, ये चीज़ें आप बना सकते हैं। कैसे करना है इसको, जैसे यहाँ पर आते हैं, कोड पेंट शुरू कर लेते हैं। आज जब मैं बोलता हूँ कि ऐसा बनाना है तो ऐसा ही बनाना है, कुल मिला के जैसे एक कार्ड बनाना है आपको, कार्ड मेनू शो एंड ड्यू डॉट कार्ड, एक कार्ड बनाना है। और कार्ड के अंदर जैसे मैं ये बोल देता हूँ कि एक तो ये है, टाइटल हो सकता है, ये डेजिग्नेशन हो सकता है, ये उसका स्किल हो सकता है, और ये इसका फोटो हो सकता है, ठीक है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ, एक तो टाइटल लेना है यूजर का, तो मैं बोल देता हूँ चलो विष्णु, और एक जो इसका रोल हो गया, रोल जो है ये फुल स्टेक, ठीक है। और मैं नहीं भी दूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं इन इन सबको हटा लेता हूँ, जैसे मैंने दिया था वैसा अगर आप बनाना चाहो तो। रोल हो गया, एक आपका ये जैसे स्किल्स हो गया, स्किल्स, और यहाँ पे डेव डॉट प्रोफाइल पिक, राइट, ठीक है। ये चार चीज़ें अपन को इसमें रखना है। चलो एक बार तो केवल इतना इतना बना रहे, कार्ड लिया एक, और कार्ड का एक विड्थ मैं डिफाइन कर सकता हूँ, पहले बॉर्डर दे देता हूँ इसको, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको एक विड्थ दे देता हूँ, मैं विड्थ बोल देता हूँ 350 पिक्सल है। हाइट दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 450 कर देता हूँ, ये वाला चीज़ है, ठीक है। या फिर इसको मैं थोड़ा कमी कर लेता हूँ, दो कार्ड अपन को लेने, तो उसको मैं बोल देता हूँ 250, ये कार्ड हो गया, ठीक है। कार्ड के अंदर जो है, अब इसको अंदर जो है वो रख लेता हूँ मैं, एक तो है टाइटल, ठीक है, एक है टाइटल को एक बार दे देता हूँ, बैकग्राउंड तो है इसका RGBA में, RGBA, ठीक है, 0000.5, ठीक है, दिखेगा नहीं क्योंकि इसका कंटेंट कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसको अगर मैं केवल हाइट दे दूँ तो यहाँ पर जैसे 30 पिक्सल दे दिया जैसे मैंने, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हल्का कर सकता हूँ 0.1, ठीक है। और कार्ड के अंदर जो है ये थोड़ा सा भी स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल किनारे से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो कार्ड को ही पैडिंग दे देता हूँ, ये लो पैडिंग मैंने इसको दे दिया, मैंने बोला इसको 10 पिक्सल का पैडिंग दो। ये 10 पिक्सल का पैडिंग प्लस एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जैसे पैडिंग देता हूँ ये कार्ड का साइज बढ़ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने कर दिया इस तरीके से, वापस अपना रिसाइज हो गया और वो स्पेस मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा राउंड कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, मैंने 5 पिक्सल कर दिया इस तरीके से, राइट, ठीक है। ये उसका टाइटल हो गया, थोड़ा सा बड़ा है हाइट में, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको विड्थ भी दे सकता हूँ, विड्थ मैंने जैसे दे दिया कि नाम जो है अंदाजे से 80% इतना विड्थ में आएगा, 90 इतना में ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने ये करना है, इसका रोल हो गया, चलो रोल रोल। अब ये देखो कि यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड वही सेम रखना है, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी 5 पिक्सल होगा, विड्थ भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार पूरा इसको कॉपी करता हूँ, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन अब इसमें चेंज क्या करना है, देखो एक तो मुझे हाइट चेंज करनी है, तो हाइट को मैं बोल सकता हूँ इसका 20 पिक्सल मैंने कर दिया, ये 20 पिक्सल का हो गया, राइट, है ना। और यहाँ पर विड्थ जो है, विड्थ को मैं कम कर सकता हूँ, तो मैं जैसे इसको चलो 50 कर दिया, 60 कर दिया, जितना भी आप करना चाहो, ये हो गया, ठीक है। अब मैं दो चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ केवल, इन दोनों को, ठीक है, बाकी अपना ये सेम है क्या, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि टाइटल, रोल, स्किल्स और प्रोफाइल पिक, इन सब का
ये स्टाइल कॉमन है, ठीक है, कि बैकग्राउंड सबका ये है और बॉर्डर रेडियस इतना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब बाकी बाकी जगह पे मुझे केवल इसका हाइट वाइट ही देना है। तो मैं यहाँ पे आया तो मैं बोल देता हूँ स्किल्स स्किल्स, और मैं इसको बोल देता हूँ इसका हाइट जो है थोड़ा सा 16 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और क्या हुआ स्किल्स, सही लिखा ना मैंने, तो आया क्यों नहीं स्किल्स, SKI स्किल्स, डॉट लगाना है और यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्किल्स वाला दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ इसका विड्थ जो है, चले ये पूरा ही है फिर इतना, और अगर 2 लाइन करनी है तो 2 लाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये है एक तो स्किल्स और एक और स्किल, 2 लाइन दिखेगा आपको, है ना। ये वाला जो सेकंड वाला स्किल है ना, तो एनथ चाइल्ड, ठीक है। अब कितने नंबर का चाइल्ड है ये, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कितने नंबर का चाइल्ड है, ये बता सकते हैं क्या, क्या नंबर का है क्या राहुल, है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ 4 नंबर का जो चाइल्ड है अपने पेरेंट का, उसकी विड्थ 50%, ये 50% हो गया, या 60% कर दो चलो इसको, ये स्किल्स हो गया आपकी, दोनों स्किल्स ही है, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्रोफाइल पिक के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफाइल पिक इसकी जो हाइट है ये 50 पिक्सल है और विड्थ जो है ये 50 पिक्सल है इस तरीके से, और बॉर्डर रेडियस 15%, ये ओवरराइड कर लेगा, ठीक है, 50% ये ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, तो या तो मैं भी सबको मेंटेन अगर करना है तो यहाँ पे लगा दूँ मैं कार्ड के ये जो है यहाँ पे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का गैप आ जाए सबके बीच में, ठीक है। और किसी को ज़्यादा देना है तो भाई ज़्यादा दे दो, है ना, कहीं पे अगर ज़्यादा है तो इस पे ज़्यादा है और इस पे ज़्यादा है, ये किया जा सकता है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई स्किल्स और जो प्रोफाइल पिक है उस पे मार्जिन बॉटम जो है वो 20 पिक्सल कर देते हैं, चलो ये तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक मिनट, तो ये स्किल्स का ऐसा करता हूँ, मैं इसकी मार्जिन टॉप कर देता हूँ इसको, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ मार्जिन स्किल्स का एनथ चाइल्ड कितने नंबर का, 3 नंबर का होगा, ठीक है, इस तरीके से। दोनों को तो साथ में रखना है ना अपन को, इस तरीके से। अब ये तो चलो अपना बन गया। अब इस कार्ड का जो है मैं ये बॉर्डर वगैरह ये भी ठीक कर लेता हूँ, ये कार्ड का पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ उसका, 20 पिक्सल कर देते हैं, ये लो 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दिया, और बॉर्डर को हटा भी दे, बॉर्डर को हटाने से पहले बॉक्स शेड जो है, अब शेड आप थोड़ा सा इस पर नोटिस किया करो कि ये शेड कैसा है, ये शेड चारों कोनर पे लगा हुआ है क्या, ठीक है। तो शेड क्या पोर्शन हो सकता है इसका, अगर चारों कोनर पे आपको दिखाना है तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से करना है। अब आप देख रहे हो बिल्कुल, अगर सेंटर से आप देखो ब्लर चारों तरफ से हो रहा है, आपको सेंटर से करना है, तो 0 पिक्सल 0 पिक्सल। तो अब ये बिल्कुल छाया इसके पीछे है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही, ये है ब्लर, ठीक है। ब्लर भी नहीं करना है तो RGBA के अंदर मैंने बोल दिया कि 0 0 0 या 150 कर देते हैं, थोड़ा ब्लूश कलर हो गया 0.2, ठीक है। और ये कलर जो अभी तक नहीं दिखेगा इसको बॉर्डर में हटा देता हूँ, एक बार नहीं दिखेगा यहाँ पर है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करता हूँ, जैसे मैंने बोला 1 पिक्सल का ब्लर कर दो, ये दिख रहा है कि 1 पिक्सल का छोटा सा ब्लर, मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल इसको ब्लर कर दो। अब ये चारों कोनों से इसका ब्लर हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि केवल एक कोने से ये 0 पिक्सल 10 पिक्सल, तो ये नीचे खिसक जाता वाई डायरेक्शन में, है
अगर मैं यहाँ से भी 10 10 कर दूँ तो ये आगे भी खिसक जाता एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर मैं 0 करूँगा तो बिल्कुल इसके पीछे बनेगा शेड, लेकिन वो फेल गया है इसलिए आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा और हल्का किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। ये लो हल्का कर दिया। अब यहाँ पर जो है इनको 150 इस तरीके से। अब यहाँ पर बनाना आपको, ठीक है। तो मैं एक जो है कार्ड के अंदर डिव डॉट मेन्यू कंटेनर ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। और मेन्यू कंटेनर के अंदर एक तो बटन है, बटन नहीं है तो अभी कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि इमेज ही है, ठीक है। और वो 3 डॉट वाला वो जो आइटम अपन ले सकते हो, तो यहाँ पर आते हैं, क्या नाम है उसका, SVG रेपो। इस वेबसाइट पे जाके मैं बोलूँगा, क्या बोलना, 3 डॉट्स, या फिर मैं जैसे मेन्यू बोल सकता हूँ, तो ये समझ जाता है, ये 3 डॉट। तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेंगे। राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने बोल दिया इसको ऐसा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मेन्यू कंटेनर के अंदर ये इमेज जो है, इसको एक क्लास दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ मेन्यू आइकन, ठीक है। तो जो मेन्यू आइकन है, मतलब इसको मैं सजा देता हूँ, मैं मेन्यू आइकन है उसकी विड्थ जो है 16 पिक्सल मैंने बोल दिया, ये मैक्सिमम 16 पिक्सल होगा, सही है ये रहा, ठीक है। अब इसको भाई बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, क्या करना चाहिए, हल्का करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ओपेसिटी जो है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 0.3 बोल दिया मैंने, देखते हैं क्या होता है, 0.3, ठीक है ना। अब इसको इस साइड में लगाना है, तो साइड में लगाना है तो सबसे पहले ये किसके अंदर है, मेन्यू कंटेनर के अंदर है, मेन्यू, ये मेन्यू कंटेनर है। इसको मैं एक वो बनाता हूँ, बॉर्डर देता हूँ, पहले बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये है, ठीक है। क्या करना चाहिए इसको, एब्सोल्यूट करूँगा, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में इसको कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, ये इतना सा ही रह गया, ठीक है। अब मुझे ये बोलना है कि इसको इस कोने पर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कार्ड आपका, उसको मैं बोलूँगा कार्ड का पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ कि राइट साइड में आप 0 पिक्सल पे चलो, ठीक है, 0 पिक्सल पे। और 0 पिक्सल पे अगर बोलूँगा तो बिल्कुल कोने पे जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो पैडिंग दिया वो इतना इतना तो दिया ही है। तो थोड़ा बहुत पैडिंग आप भी दे सकते हो, 20 पिक्सल का आप भी दे दो, 20 दे दो, 25 दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना दे दिया अपन ने, है ना, बिल्कुल कोने से आप अगर करना चाह रहे हो तो। अब इसको हटा लो, चलो बॉर्डर को बाद में हटाएंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ देनी है, मेन्यू और देना है, मेन्यू मेन्यू देना है, ठीक है। तो डिव डॉट मेन्यू, ठीक है। और इसके अंदर मेन्यू आइटम होंगे, तो डिव डॉट मेन्यू आइटम, आइटम एक, ठीक है। और हर मेन्यू आइटम जो है ना, उसको अगर आप देख रहे हो तो एक फोटो है और एक क्या है, ये टाइटल है, ठीक है, टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या क्या नाम है, लॉक, ठीक है, ये क्या है, लॉक टास्क, लॉक लगा देते हैं, लॉक ये ले गया, चलो राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसके अंदर एक तो है ऐसा, और मैंने बोल दिया क्लास, इसको दे दिया आइकन, सही है ना, ठीक है, दे दिया बस ऐसे, क्योंकि मैं इसको छोटा मोटा करना चाह रहा हूँ, वैसे भी हो जाए लेकिन और भी चीज़ें हो जाए इसके साथ में, है ना। तो मैं इसको स्पेसिफिक बोलना चाह रहा हूँ कि आइकन को ही चेंज करना है। और मैं जैसे बोल देता हूँ एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का नाम क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का नाम है लॉक टास्क, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब मैं पहले तो बोलूँगा मेन्यू आइटम के अंदर जो आइकन है, मेन्यू आइटम के अंदर जो आइकन है उसकी विड्थ 16 पिक्सल है, सही है, ठीक है।
और मैं बोलूँगा ये यहाँ पे जैसे मेन्यू को भी एक बॉर्डर दे देता हूँ, क्योंकि मेन्यू के अंदर एक ही आइटम अभी बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल रेड दे देता हूँ उसको, रेड। तो ये तो मेन्यू कंटेनर है ब्लैक वाला, और ये है मेन्यू। यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ, जो मेन्यू होगा ना, मेन्यू उसकी विड्थ 150 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसा कर दिया मैंने, 150 पिक्सल तो इसकी है ही, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, हर एक जो मेन्यू है ना, मेन्यू आइटम, मेन्यू के अंदर जो मेन्यू आइटम है, हर एक के लिए मैं बोलूँगा, हर एक के अंदर एक तो इमेज है और एक टाइटल है। क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आइकन और ये जो है ना, ये चाह रहा हूँ मैं सेंटर में आ जाए बिल्कुल, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रही तो आप अलाइन आइटम्स सेंटर करके इसको सेंटर में कर सकते हैं, गैप दे सकते हो। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा पैडिंग दे सकते हो, कितना, 5 पिक्सल का ऊपर नीचे से, 10 पिक्सल दाएं बाएं से, ऐसा दिया जा सकता है, सही है, ठीक है। और इसको मेन्यू को मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 10 पिक्सल का पैडिंग इसको भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे दिया। और मेन्यू का जो बैकग्राउंड है वो कर देता हूँ बैकग्राउंड, ये कर दिया वाइट, और बॉक्स शेड जो है वो लगा दी 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 0.0002 इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है पैडिंग, थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जैसे इसके अंदर दो मेन्यू आइटम है, पैडिंग तो मैंने इस पे भी लगाई है, 5 पिक्सल की तो इस पे लगाई है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मेन्यू आइटम का, ठीक है। कैसा है इसमें, अच्छा थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं मेन्यू आइटम पे, जब भी मैं होवर करूँगा तो उसका बैकग्राउंड स्टार या फिर RGBA के अंदर 0.0, 150, 0.1 हो जाए, ठीक है। देखें ये है, ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है इसको, बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे बॉर्डर रेडियस मैंने बोल दिया 5 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस, 10 पिक्सल, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, ये मेन्यू है। अब मेन्यू के अंदर जो इसको, तो मैं बॉर्डर को हटा रहा हूँ रेड वाले को, ये है मेन्यू आपका, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, है ना। तो एक और ये कि इसका मैं ये फॉन्ट भी चेंज करना चाह रहा हूँ, मेन्यू के अंदर लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। और इस तरीके से आपको दिखेगा। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल आइटम रखना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए, एक मेन्यू आइटम तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपकी मर्जी है, आप कितने भी कर लो, ठीक है। मैं एक जैसे कर रहा हूँ अभी, जैसे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बाकी आइकन आप चेंज करें, डेट पिकर है या लगा भी देते हैं, चलो कोई नहीं, डेट पिकर, और है रिमाइंडर्स, ठीक है। रिमाइंडर्स तो मैं यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ, एक तो करना है डेट बोल देता हूँ, कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर इसमें थोड़ा वैरायटी मिल जाएगा, ये ले लिया, चलो राइट क्लिक का कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लूँगा ये वाला, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर है तो यहाँ पर मुझे चाहिए अलार्म, तो अलार्म जो है ये वाला ले लेता हूँ, चलो ओके इमेज एड्रेस,
ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा छोटा देखना चाहूंगा इसका, ये वाला नहीं था। ठीक है, इस तरीके से अब ये तीनों जिसके ऊपर भी आप होवर करेंगे वो अपना होवर भी हो रहा है, ये मेन्यू भी आ गया, इस तरीके से ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये मेन्यू आइकन है। आप चाहो तो देखो अभी इसको राइट साइड में आपको लेके जाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो इसको फ्लोट कर दूँ, फ्लोट नहीं बताए तो मैं इसको डिव कर सकता हूँ, डिव, ठीक है, और डिव के अंदर मैं इसको पुट कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है, डिव के अंदर। अब और वैसा फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ इसको, मैं बोल देता हूँ आइकन मेनू आइकन कंटेनर, ये केवल मेनू का आइकन को कंटेन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, मेनू एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये वाला है, ठीक है ना, और इसके अंदर है इमेज, ये इमेज है। अब एक चीज आप नोटिस करना, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ कि जितने भी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, उनको अगर आप सेंटर में करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पेरेंट पे जाके बोलना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पेरेंट को, ठीक है, क्योंकि इनलाइन जो है वो छोटे बच्चे मान लो आप उनको, ठीक है, तो उनके पेरेंट को जाके बोलना है। और अगर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उनको खुद को जाके आपको क्या करना है, मार्जिन ऑटो कर देना, ठीक है, सेंटर में लाने के लिए, एक्स डायरेक्शन में अगर आप सेंटर में करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो सेंटरिंग एलिमेंट ऑन एक्स एक्सिस, सही है क्या, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं, ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और इसके अंदर जो एलिमेंट है इमेज वाला, ये कौन सा है, इनलाइन है कि ब्लॉक है, इनलाइन है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मेन्यू आइकन कंटेनर को कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन LIGN सेंटर, सेंटर बोलो, चलो सेंटर कर दिया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये सेंटर में आ गया, ठीक है। क्या करना चाहिए मुझे, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है ना, राइट करना है, ये राइट कर दिया मैंने, क्लियर है। मैं इसको विड्थ दे सकता हूँ क्या, ठीक है, विड्थ भी दिया जा सकता है ना। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो है, ये है कंटेनर, कौन सा, मेन्यू कंटेनर आ गया, ये मेन्यू कंटेनर है, इस मेन्यू कंटेनर की विड्थ को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोलता हूँ 40 पिक्सल, मैंने इसको विड्थ को ऐसा बोल दिया, ये विड्थ 40 पिक्सल हो गया, समझ रहे हो, और ये मेन्यू जो इतने में आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी फिक्स किया हो तो ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो भाई इसका कोई इलाज करना पड़ेगा, तो ये लो, ये 20 पिक्सल इसका मैंने कर दिया जैसे विड्थ, और ऐसा दिखेगा आपको, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हाइट भी इसकी अगर फिक्स, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, चलो पहले ओवरफ्लो हिडन कर दिया। अब मैं इसको हाइट को क्या कर लूँ, कम कर दो, हाइट को मैंने बोल दिया 20 पिक्सल गाइब, ठीक है, और ये बॉर्डर को हटा दूँ अभी, है ना, और इसका बॉर्डर भी हटा देता हूँ, बॉर्डर कहाँ पर, बॉर्डर बॉर्डर ये रहा। तो आपको तो ये दिखेगा, ठीक है ना। अब मैं इसका बॉर्डर वापस से लगा रहा हूँ मेन्यू कंटेनर का, ये मैंने लगा दिया, ठीक है, छोटा है। अब मैं जैसे इस पे होवर करूँ ना, तो मैं इसको वापस से इसकी हाइट देना चाह रहा हूँ, तो मेन्यू पे जब भी मैं होवर करूँ, अभी मैं केवल होवर पे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो
जब भी होवर करूँगा तो इसका जो हाइट है, ये जैसे कितना है, मैं कितना बोलूँ, 250 पिक्सल बोलूँ क्या, 250 पिक्सल देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, इतना ज़्यादा हो गया, 200, 200 पिक्सल ठीक है, मतलब कर दिए 200 पिक्सल, इतने में आ जाएगा, मतलब मेन्यू भी आ जाएगा, मतलब कुल मिला के मेन्यू आ जाना चाहिए, एक दो आइटम और भी कभी बढ़े तो, है ना। और इसका जो विड्थ है, विड्थ है तो इसको आपको देना है जैसे 300 पिक्सल, 300 तो ज़्यादा हो जाएगा, 150 पिक्सल इस तरीके से, सही है क्या? ठीक है, ये ज़्यादा करूँ थोड़ा सा, 180, वो 150 ठीक था मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं एक बार बॉर्डर को हटा के देखता हूँ। अब जैसे मैं इसको होवर करूँगा, ये चीज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, 160 कर लेते हैं, 170। अच्छा, वो मैंने वो शेड भी दिया था, वो भी यहाँ पे दिखना चाहिए ऐसा, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये निकल के आ रहा है, कब, जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, जब मैं इससे निकल जाता हूँ तो नहीं होता। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, बॉर्डर में एक बार लगा के दिखा देता हूँ, कि जब आप इस पे होवर करते हो, जब आप इस पे होवर करते हो तो ये इसका साइज बढ़ जाता है, तब आपको दिख जाता है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस पे ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, अगर थोड़ा स्मूथ करना है तो ट्रांजिशन लगा दो यहाँ पे, ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, और ये लो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखो, हाँ, तो ये एक्टिव पे अगर करना है तो यहाँ पर मैं जैसे ये कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्टिव जो है ये तब तक काम करेगा जब तक आप क्लिक करके रखोगे, समझ गए। अब आप देखो यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो निकल के आया, लेकिन जैसे मैं अभी तक तो क्लिक को छोड़ा नहीं है, दबाया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक को छोड़ूंगा अब, तब जाके वापस अंदर जाएगा, लेकिन अगर मैं केवल क्लिक करूँ ऐसा क्लिक, तो देखो समझ रहे हो, बस इतना सा ये आएगा। तो एक बार तो इसका ये बॉर्डर तो हटा देता हूँ, आपको ऐसा दिखेगा, है ना, आ रहा है, ये स्टेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये किया जा सकता है, एक बार तो मैं जैसे होवर पे इसको करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कभी होवर होगा जब, क्योंकि भाई यूजर का मन करेगा कि मेरा, मैं ये इस मेन्यू के अंदर से कुछ आइटम पेश करना चाहूँ तो तभी तो वो यहीं पे आएगा, ठीक है, और फिर इसके अंदर कुछ वो करेगा, इनमें से सिलेक्ट करेगा, और फिर जब इसका काम डन हो गया फिर ये बाहर वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस इसको करना होगा तभी ये इसके ऊपर जाएगा, तब आपको इसको दिखाना है, बस अपना पर्पज सोल्व हो गया, है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं इस पर क्लिक करना पड़े, क्योंकि मेरा मन है कि मैं इसमें कुछ करूँ, तो बस उसको क्लिक करने से भी आज़ादी दे दी आपने, आप थोड़ा सा जैसे माउस लेके जाएंगे ऑटोमेटिक निकल के आएगा। तो ये चीज़ अभी के लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से, ऐसा ही होना चाहिए, बाकी आप जैसे क्लिक करने पे लगाना चाह रहे हो तो वो भी अपन कवर कर लेंगे, ये सेम चीज़ है, लेकिन मैं क्लिक पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, स्टाइल ऑन, स्टाइल ऑन क्लिक, तो डिव डॉट एक करता हूँ लेबल, ठीक है, लेबल नाम का ये एक टैग है, ठीक है, लेबल नाम का, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ डिव डॉट, यही मेन्यू उठा लेते हैं, मेन्यू आइकन, इसके अंदर एक मेन्यू आइकन है, या फिर एक चलो क्यूब है, डिव डॉट बॉक्स, ठीक है, और लेबल के अंदर एक इनपुट है, चेकबॉक्स तो आपको पता ही है, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स, ठीक है, तो इनपुट, इनपुट टाइप जो है वो आपका चेकबॉक्स। सही है ना, ये चेकबॉक्स है, ये बताया था आपको, ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये बॉक्स जो है,
बॉक्स को स्टाइल करना चाह रहा हूँ। हाँ, लेबल आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये लेबल लेबल, ठीक है। अब किसके लिए करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ये आप नाम लिख सकते हो, जैसे ये क्या होगा, ये होगा यूजर नेम, ठीक है। इस फील्ड का नाम क्या होगा, यूजर नेम, तो आप बोल दो यूजर नेम के लिए करना चाह रहे हो, यूजर नेम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो यूजर, ठीक है। तो ये यूजर यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा, वैसे कोई इसको विषय, वैसे ऐसा दिखने में कोई अलग चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मली बिना इसके इसके भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका जो यूज है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे बॉक्स है, बॉक्स को मैंने एक हाइट दे दिया, हाइट मैंने दे दिया इसको 100 पिक्सल का, विड्थ मैंने दे दिया इसको 100 पिक्सल का, बैकग्राउंड जो है मैंने दे दिया इसको रेड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सिबलिंग सिलेक्टर नाम का एक चीज आता है, जैसे कि आपको अगर क्लास सेलेक्ट करनी है तो आप डॉट और क्लास का नाम लिख देते हो, ठीक है, और चीज़ों को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं एक बार ये भी क्लियर कर देता हूँ, SIB सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है, सिबलिंग सेलेक्टर, सिबलिंग का मतलब भाई बहन, जो सिबलिंग है एक लेवल पे उनको आप बोलते हो। तो जैसे मैं बॉक्स बोलता हूँ, ये बॉक्स है, बॉक्स इनटू 5, है ना, और ये बॉक्स का स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी कर ही लेता हूँ। ये सारे के सारे बॉक्स हैं, और ये जो बॉक्स अलग अलग लाइन पे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, ये अलग अलग लाइन पे, ये इतना छोटा सा बॉक्स था, ये यहाँ पे तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्या करना चाहिए, एक लाइन में करना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स भी किया जा सकता है, बॉडी को करना पड़ेगा फ्लेक्स, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं, चलो ठीक है। और अगर आप बॉडी को करना चाह रहे हो तो बॉडी को इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि बॉडी को आप जाके बोलो तुम्हारा डिस्प्ले फ्लेक्स, अब एक लाइन में आएगा, गैप भी नहीं आएगा, ये भी अच्छी बात है, गैप मैं खुद दे सकता हूँ, 10 पिक्सल का गैप दे दो, ठीक है, इस तरीके से। अब आपका यहाँ पर देखो, जब आप करते हो बॉक्स पे, जब मैं होवर करूँ तो बॉक्स का बैकग्राउंड जो है वो हो जाए ब्लैक, सही बात है क्या? तो जिस पे भी मैं होवर करूँगा उसका बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जिस पे भी होवर कर रहा हूँ उसी उसी का होगा, एक आता है सिबलिंग सिलेक्टर, सिबलिंग का मतलब है कि यहाँ पर जैसे वो तो प्लस, ठीक है, बॉक्स बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स जो है उसका भाई जो है, अगला भाई, ठीक है, कौन सा, कौन सी क्लास है, बॉक्स। तो बॉक्स पे, किसी भी बॉक्स पे जब मैं होवर करूँ, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ होवर करूँ, तो उसका जो अगला बॉक्स है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा हो जाए, ब्लैक हो जाए, देखें हो रहा है क्या। जिस भी मैं बॉक्स पे होवर कर रहा हूँ, जिस भी बॉक्स पे मैं होवर कर रहा हूँ उसका अगला बॉक्स क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ठीक है। ये देखो इस पे क्लिक किया मैंने, इस पे और इस पे क्लिक करूंगा तो इसका अगला है नहीं कोई, ठीक है, तो इस पे नहीं होगा, ठीक है। और एक जो है आपका, इसको बोलते हैं सिबलिंग सिलेक्टर, तब ये है आपका सिबलिंग सिलेक्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा, नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है, एक ही सिबलिंग को ढूंढेगा। दूसरा है ये जो एस्केप की के नीचे है, ये वाला साइन, ठीक है, और यहां पर जैसे नेक्स्ट ऑन सिबलिंग, इसका मतलब जिस भी बॉक्स पे मैं होवर करूंगा उसके आगे के सारे बॉक्स क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ठीक है, देखे क्या, देखो देखो, ठीक है, इस तरीके से आया समझ में, किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाला कर दिया मैंने, तो ये चीज समझ में आ गया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये है सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक आपका चेक बॉक्स है, और चेक बॉक्स का भाई कौन है, बॉक्स क्लास, सही है ना, अगला भाई है क्या, ये अगला भाई है ना, ये बस। तो मैं बोलूंगा अब चेक बॉक्स जो है
उसकी कोई स्टेटस होती है, जैसे ये चेकबॉक्स नहीं, इसको ऐसे बोलूंगा, इसको एक क्लास दे सकता हूँ, वैसे ये लो क्लास चेक, ठीक है। तो ये चेक जो है, चेक नाम की क्लास है, इसका जो अगर ये होगा चेक, ये प्रॉपर्टी जैसे एक तो होवर होता है, एक्टिव होता है, वैसे चेक बॉक्स पे एक और प्रॉपर्टी लगती है चेक्ड, ये चेक्ड है कि नहीं है। अगर ये चेक्ड है तो इसका अगला जो भाई है ना, कौन सा बॉक्स क्लास, ठीक है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो देखें तो ये चेक जो है, ये तो क्लास है, इससे ये सिलेक्ट हो गया है ना, ये इनपुट आपका सिलेक्ट हो गया चेक बॉक्स। और ये अगर चेक्ड होगा तब ये उसका जो पास वाला भाई है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। देखिए क्या, इसको क्लिक किया मैंने और ये पास वाला भाई ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको ऐसे क्लिक करते हैं तभी ये रहता है, और रहता ही है, हमेशा ही रहता है फिर, है ना। इस पे ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा क्लिक जैसे होवर किया तो हो रहा है, या मैंने क्लिक करके रखा तो ये हो रहा है, एक बार क्लिक कर दिया काफ़ी है। दूसरी चीज़ कि अब ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स पे मैं, ये लेबल का ही पार्ट है, ये दोनों लेबल के पार्ट है, तो अब मैं चाहे इस पे क्लिक करूँ चाहे मैं इस पे क्लिक करूँ, हमेशा ये चेकबॉक्स ही क्या होगा, चेक अनचेक होगा। देखिए क्या, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, चेक अनचेक, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो भी ये होता है, ठीक है। तो क्यों ना इसको मैं हाइड कर दूँ, हाइड किया जा सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो चेक है उसका डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है, उसको दिखाओ ही मत, वो दिखाओ मत, लेकिन वो है तो सही वहाँ पे, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, अभी भी वो सारी चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो चेक बॉक्स चेक और अनचेक, चेक अनचेक, चेक अनचेक हो रहा है, और उसकी वजह से ये इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे बॉक्स का एक तो बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है, और प्लस इसका बॉर्डर रेडियस चेंज हो रहा है, 50% कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए क्या, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे करेक्शन करना, ये 50%, अब देखो, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, ट्रांजिशन लगा सकता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देंगे 0.5 सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पर मैं एक बार जैसे इसको डिस्प्ले नन नहीं कर रहा हूँ, तब तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये अपना ऐसा हो रहा है, ब्लैक भी हो रहा है, प्लस इसका बॉर्डर भी रेडियस चेंज हो रहा है। अब मैं इस पर भी क्लिक करूंगा, वही सेम चीज होगी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये लो चेक बॉक्स को, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो यही सेम चीज मैं इसमें कर लूँ, अपना जो बनाया है ओवर वाला, ठीक है। तो इसमें आते हैं अपन, ये ऐसे आ रहे, ठीक है। तो एक नया कोड पेन लेता हूँ और इसके अंदर इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, CSS भी कॉपी कर लिया, शो हाइड मेनू इन कार्ड ऑन क्लिक, ठीक है। तो अभी तो देखो ये होवर पे ही हो रहा है, ठीक है, होवर पे नहीं करना, इस पे चेक पे होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो मैं इसमें आता हूँ, मेन्यू कंटेनर वाले के अंदर, ये मेन्यू कंटेनर है, ठीक है, मेन्यू कंटेनर के अंदर मैं बोल देता हूँ एक चेक बॉक्स अवेलेबल है। तो इनपुट जो है कैसा है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। एक बार मैं इसका विड्थ वगैरह जो है ये थोड़ा सा रख लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए कहाँ गया, मेनू कंटेनर इसका जो है, इस चीज को मैं एक बार ताकि आपको दिख जाए कि क्या हो रहा है। तो इसके अंदर तीन तीन आइटम है, एक तो चेकबॉक्स है, एक ये है और एक ये है,
जब भी मैं किसी भी आइटम पे क्लिक करूंगा, जैसे ये यहाँ पर, तो भाई ये चेक होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप मेन्यू कंटेनर के अंदर जो इनपुट डिव और ये मेन्यू है, उन तीनों को आप क्या रखो, एक ही के अंदर रखो, ठीक है, एक ही लेबल के अंदर, लेबल के अंदर रख लिया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगा, इनपुट हो गया, डिव हो गया, और ये डिव भी यहाँ पर, कहाँ पर बंद होता है, यहाँ पर, ठीक है। तीनों के तीनों क्या हो गए, एक ही लेवल के अंदर आ गए। अब देखते हैं, चलो अब एक लेवल के अंदर है, तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे इसके ऊपर, पहले इसको फोर वोर को हटा लेते हैं, लेवल राइट, ठीक है। अब ये अपना चेक हो रहा है, मैं चाहे इस पे क्लिक करूं तो भी चेक होगा, और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो भी चेक होगा। क्या करना है, सिंपली आप ये बोलो कि जब भी इसको मैं कुछ एक नाम दे देता हूँ, क्लास मेनू टॉगलर। मेनू टॉगलर मतलब कि जैसे वो अपना बटन वाला पेन होता है ना, एक बार दबाते तो नीचे से आ जाता है, उसी बटन को दोबारा दबाते वापस चला जाता है, ठीक है, तो उसको टॉगल करना बोलते हैं। तो इस मेनू, इस पे मैं जब एक बार क्लिक करूंगा तो आ जाएगा, एक बार क्लिक करूंगा तो वापस चला जाएगा। तो मेनू टॉगलर जो है ये अपना चेकबॉक्स, इसको मैंने बोला है, इसकी ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चेक होगा तो ये मेनू दिखेगा आपको, और अगर ये चेक नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, सही है। तो अपन ये काम करते हैं, मैं बोलता हूँ मेन्यू टॉगलर, ठीक है, मेन्यू टॉगलर जब चेक्ड होगा, ठीक है, तो उसका भाई, ठीक है, किस नाम का भाई है? तो अब यहाँ पे ये देखो कि इसका डायरेक्ट जो नेक्स्ट भाई है वो तो है ये, ठीक है, इसके साथ में हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आइटम है ना, ये इसका अगला भाई है, तो इस पे ये वाली चीज काम नहीं करेगी, प्लस वाली, इस पे कौन सी करेगी, ये वाली, ठीक है। और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, ये है आपका मेन्यू, मेन्यू है ना, मेन्यू है, मेन्यू पूरा मेन्यू दिखाना ना अपन को, तो है ना, तो मेन्यू जो है उसको अपन दिखा देंगे। जैसे एक बार बॉर्डर लगा दूंगा इस पे, केवल बॉर्डर जो है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपना 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो गया, और जैसे मैं अनचेक करता हूँ तो वापस चला जाता है, ठीक है ना। ये वाला काम अपन को करना है। तो सिंपली अगर मैं इसको हटा दूँ, हाइड कर दूँ, है ना, तो चलेगा। तो मेन्यू कंटेनर जो है, चेक्ड नहीं, मेन्यू कंटेनर टॉगलर जो है, उसका डिस्प्ले नन कर दिया, सही है। और ये नन करने के बाद में भी देखो, ये जैसे इस पे ऐसा और ऐसा, सही है ना। तो एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू आपका कंटेनर है उसका हाइट एंड विड्थ मैंने दिया हुआ है, ये कर दिया मैंने, ठीक है, ये लो, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो हाइट एंड विड्थ को भी आप मत करो, चीज इसको ऐसा कर सकते हैं, ये लो, ये अभी दिख रहा है, ठीक है। और मीनू को जो है मैं बोल सकता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, या एब्सोल्यूट नहीं भी करें ना, तो ऐसा कर लेते हैं ओपेसिटी कर लेते हैं, एक बार इफेक्टिव तो देना है इसको, ओपेसिटी 0.5 कर दिया एक बार, कि क्योंकि मीनू मीनू जो वो थोड़ा हल्का दिख रहा है, हल्का दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पे चेक करूंगा, तो जैसे ही आपका चेकड होगा तो इसका ओपेसिटी कितना हो जाएगा, मेन्यू का ओपेसिटी 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। तो देखें, बॉर्डर हटा देगा, अब देखो, ठीक है। और अगर मैं ओपेसिटी बिल्कुल अगर 0 ही कर दूं तो आपको दिखेगा ही नहीं, सही है क्या, है ना। और फिर अगर मैं इस पे ऐसा करूँ तो ये निकल के आएगा और ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं वापस क्लिक करूँगा वापस आएगा, ठीक है, उस तरीके से, तो ये रहेगा। और ये अब होवर पे अपने कुछ लगा रखा है क्या, मेनू पे, हाँ
ये थोड़ा होवर पे भी मैंने कुछ कर रखा है, ये रहा। ऐसा आएगा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला काम कर रहे हैं। आप इसको ये भी कर सकते हो, एब्सोल्यूट पोर्शन देके नीचे से ऐसे करके निकालो, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मेन्यू कंटेनर को मैंने एब्सोल्यूट दे दिया, और इसके अंदर जो मेन्यू है इसको भी अगर मैं एब्सोल्यूट दे दूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा वन कर लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे मैं इसको विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, विड्थ जो है 150 पिक्सल, ठीक है। और हाइट इसका दे देता हूँ 300 पिक्सल, 300 तो ज़्यादा हो जाएगा वैसे, लेकिन 300 पिक्सल दे दिया, ठीक है, दिया जा सकता है। अभी एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, इसके अंदर इस ये है मेन्यू कंटेनर, इसके अंदर एक तो चेकबॉक्स था जिसको हाइड कर दिया, एक ये है और एक ये है। इसको मैं बोलूँगा मेन्यू को, इसका पोजिशन रिलेटिव है, रिलेटिव है, और जैसे ही इसका रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट है, सॉरी एब्सोल्यूट है, और जैसे मैं इसको एब्सोल्यूट करूंगा तो अब ये फ्लो से बाहर निकल गया। अब मैं इसको इसको उठा के नीचे रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसका जो बॉटम है वो 0 पिक्सल है, मतलब नीचे आ जाए, सही है क्या, नीचे आ गया। और जब भी मैं इस पे होवर करूँगा मिनी टॉगलर पे जैसे या क्लिक करूँगा, तो ये वापस क्या हो जाए, इसका जो बॉटम से बोलूँ क्या, बॉटम से नहीं टॉप से बोलूँगा, टॉप से थोड़ा सा कितना दूर है, वो 150 पिक्सल दूर है, ऐसा बोल दिया है ना। अब 150 पिक्सल दूर है, इसको मैं बोलूँगा कि अब ये केवल 50 पिक्सल दूर रह जाए, या 16 पिक्सल, या इतना दूर रह जाए, देखे क्या ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा और पास में करना पड़ेगा, 16 पिक्सल ऐसा आगे, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसा, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी भी गायब कर देंगे, तो ओपेसिटी इसकी 0 कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा निकल के आएगा, ठीक है, और ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको बॉर्डर को हटा लेता हूँ, अब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। जो भी आइटम पेस्ट करना है वो कर लो यहाँ पे, जो भी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में वापस ट्राई, ठीक है, वापस चेक अनचेक इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आप इसको करके देखो, ठीक